नमस्ते, मेरे शाहूजी सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हरा टमाटर का खट्टा चटनी। एक थोड़ा का कढ़ाई लिए हूँ, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के 5 से 6 तो झींगा मछली को नमक हल्दी मिला के फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो मछली दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, देने से मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के 1/2 छोटा चम्मच से भी कम सरसों का बीज थोड़ा फ्राई करके 4 से 5 तो हरा टमाटर बारीक कटे हुए दे के 1 छोटा सा टमाटर देंगे, क्योंकि 1 टमाटर देने से आप चाहे तो दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन देने से अच्छा से जम जाता है। हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार दे के अच्छे से ढक के फ्राई करेंगे। ढक्कन लगा के फ्लेम को लो करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे, सब्जियों को पानी से ही ये पकना पड़ेगा, तो इसलिए फ्लेम को लो रखना पड़ेगा और ढक ढक के देना पड़ेगा। मछलियों को डाल दिया, प्रॉन को ढक के बार बार से ढक्कन अलग करके देखना पड़ेगा कैसा हुआ, चम्मच चला चला के देखना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा से जम गया और पूरा बॉयल हो गया सब्जी। हरा मिर्च 2 दे के पूरा ऑयल निकल आया, पूरा पानी सूख गया टमाटर का, तो बन गया हरा टमाटर का चटनी, खट्टा चटनी। ये नॉनस्टिक या लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा बनता है। मैं बहुत ही थैंकफुल ग्रेटफुल हूँ आप लोगों से। आप सब ने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।